नमस्कार, कृषि संदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इंदिरा गांधी मेमोरियल कॉलेज गैरवासीय ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। पीलीबंगा के इंदिरा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज में 10 दिवसीय गैरवासी आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर प्रभारी सुरजीत कुमार सुथार ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी प्रियंका तालानिया थी। अतिथि के रूप में CBO JP गौतम, ACBO पूर्णराम देव, PG कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मदन बेव, शिक्षण समिति अध्यक्ष विनोद गोयल, डॉक्टर बिरजला शर्मा थे। कार्यक्रम में श्रीमती कृष्णा स्वामी भी मुख्य रूप से उपस्थित थी। उपखंड अधिकारी तालानिया ने अपने संबोधन में कहा कि आपने जो प्रशिक्षण लिया वो गतिविधियां ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में 77 संभागियों ने भाग लिया। अतिथियों का शाल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिविर प्रभारी सुरजीत सुथार ने किया। पीलीबंगा से कृषि संदेश न्यूज की रिपोर्ट। और बढ़ जाएंगे। बहुत बार ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को आगे पढ़ने, बच्चियों को स्पेशली बच्चियों को वो लोग नहीं भेजते हैं दूसरे शहर में। उनके मन में भी संशय रहती है कि भाई हमारी बच्ची है, अकेले ट्रैवल करेगी, वो सेफ नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी पढ़ाई जो है, मेरी ग्रेजुएशन बाहर हुई, तो मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ उस चीज़ से। जब भी हम अकेले ट्रैवल करते थे, हर जगह हमारे पेरेंट्स हमें नहीं अकंपनी कर सकते। बहुत बार होता है कि फादर तो हमें खुद को अकेले ट्रैवल करना पड़ता है। मोस्टली मैंने तो बहुत ट्रैवल किया है। जब आप बाहर पढ़ते हो तो आते जाते हो, फेस्टिवल्स पे आ रहे हो, तो ऐसे सब चीज़ों से हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे आगे जाने वाले पाथ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आपके। यह खबर पीलीबंगा से है, जहां पर खेलकूद सप्ताह का हुआ समापन। इंदिरा गांधी मेमोरियल PG कॉलेज में अंतर सदन खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक सप्ताह का समापन हुआ। क्रिकेट प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी सदन विजेता एवं लक्ष्मीबाई सदन उपविजेता रहा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कृषि एवं मंडी समिति सचिव सुरेंद्र खोत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर मदन बेव ने की। कार्यक्रम में शिक्षण समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। सुरेंद्र खोत ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत व लगन से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की बात कही। समिति अध्यक्ष विनोद गोयल ने भी विचार रखे। अतिथियों द्वारा विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। पीलीबंगा से कृषि संदेश न्यूज की रिपोर्ट। जगह पे इतने छोटे कस्बे के अंदर इतने प्यार से आपको जो है हर तरीके से व्यवस्थाएं मिल रही है, आपका ध्यान रखा जा रहा है, जो आपकी मेहनत लगन है उसके साथ साथ इनका सहयोग जो इतना प्यारा आपका आपके ऊपर जो हाथ है उसको मैं स्वागत योग्य मानता हूँ। बहुत ही तारीफ के काबिल है ये चीज़ें। प्यारो बच्चों, मेरी एजुकेशन भी जाकर यूनिवर्सिटियों में रही है, उदयपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़, अलग जगहों में देश के मैं स्टडी किए मैंने। उसके बाद जो है राज्य सरकार के हम इस जॉब में आए हैं। तो अभी भी छात्र जीवन में आप कोई भी काम करें, पढ़ाई करें, खेल कूद प्रतियोगिता में शामिल हों या परिवार का कोई घर का कोई काम हो, ध्यान। पीलीबंगा में बार संघ के चुनाव संपन्न। गौरीशंकर घाट बने अध्यक्ष। पीलीबंगा बार संघ पीलीबंगा की वर्ष 2020 की कार्यकारिणी के अध्यक्ष व सचिव पद हेतु सोमवार को मतदान हुआ। चुनाव अधिकारी रघुनाथ सिंह राठौड़, ओम प्रकाश अरोड़ा व राजविंदर सिंह के अनुसार सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए गौरीशंकर घाट को 76 व जसपाल सिंह को 52 मत प्राप्त हुए। ऐसे में गौरीशंकर घाट 24 मतों से विजयी होकर बार संघ पीलीबंगा के अध्यक्ष मनोनीत हुए। वहीं सचिव पद हेतु राधेश्याम वर्मा को 92 व अशोक चरानिया को मात्र 36 मत ही प्राप्त हुए। ऐसे में राधेश्याम वर्मा 56 मतों से विजयी हुए। गौरतलब है कि उपाध्यक्ष पद हेतु संजीव आहूजा, कोषाध्यक्ष पद हेतु हीरालाल बिरथलिया व पुस्तकालाध्यक्ष के पद पर वली मोहम्मद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र चतुर्वेदी, नंदराम धारनिया, दारा सिंह हुंदल, सोहनलाल सुतार, मनीष आहूजा, महावीर अरोड़ा, मनोज सोनी, बंताराम घनश्याम, अशोक चालिया सहित बार संघ के समस्त अधिवक्ता उपस्थित थे। पीलीबंगा से कृषि संदेश न्यूज की रिपोर्ट।